ब्रेकफास्ट बनाने का, एंड मैं बना रहा हूँ कांदे पोहे महाराष्ट्र स्टाइल। थोड़ा स्पाइसी कम रहेगा मिर्ची वर्ची, बट आलू और कांदे रहेंगे। Hey guys, welcome to our channel, and finally मैंने कैमरा उठा लिया है दोबारा व्लॉगिंग करने के लिए। एंड मैं थोड़ा धीरे बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जैकलिन सुबह ही डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए ना। सो आज है टर्न मेरा ब्रेकफास्ट बनाने का, एंड मैं बना रहा हूँ कांदे पोहे महाराष्ट्र स्टाइल। थोड़ा स्पाइसी कम रहेगा मिर्ची वर्ची, बट आलू और कांदे रहेंगे। एंड वेदर बड़ा ही प्लेजेंट है, 8:30 इन द मॉर्निंग, सबका खाना हो गया, सिर्फ ब्रेकफास्ट बन रहा है मेरा जैकलिन का, एंड बाकी का मैं आपको दिखाता हूँ आगे। फर्स्ट टाइम कांदे पोहे बना रहा हूँ, एंड देखते हैं कैसे बनते हैं। एंड आपको मैं धीरे धीरे अपडेट देता रहूँगा और बनाने के बाद बताऊँगा कि मैंने उसमें क्या क्या डाला है। वैसे मैक्सिमम लोगों को पता ही रहता है कि पोहे में डलता क्या, तो मैं बनाता हूँ एंड आपको अपडेट देते हैं आगे का। फिर ये है हमारे कांदे पोहे जो बहुत ही यमी दिख रहे हैं, एंड अब जस्ट वेटिंग फॉर जैकलिन। जैकलिन खा के बताइए। कांदे पोहे तो हमारे ऑल सेट है। पागल कुछ हो जाएगा। ठीक है, तू ठीक है, तू जा अंदर, जा 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 जा, गुड बॉय। तो इस कांदे पोहे तो हमारे ऑल सेट है, बस अभी तड़प रही है यहाँ जाने के लिए, एंड आगे गुड बॉय। सो बस अभी वेट कर रहे हैं, थोड़ी देर से फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो मुझे बाहर करने जाना है, जो जिसकी भी शादी हो चुकी वो समझेगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अगर आपके घर के पास आपको पता चल जाएगा क्या नहीं है, तो आपको जाना पड़ता है। सो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, आपको बताता हूँ कि ये वो कौन सा इंपॉर्टेंट काम है जो करने में अभी मैं बाहर जाने वाला हूँ। इज फाइंड द ऑड मैन आउट। हु इज द ऑड मैन, हु इज द ऑड मैन, हु इज द ऑड मैन। यार कोई मुझे बताना है यार, हमारे मैक्सिमम प्लांट या मे भी हो सकता है कि यार ये पॉट ही बुआ रहा है, या इसमें जो भी मैं लगाता हूँ ना वो ड्राई हो जाता है, बट क्यों हो रहा है ऐसा? बाकी सब ठीक है, बाकी सब प्लांट्स बराबर है, रेनी सीजन में भी ड्राई हो गया। अगर किसी को पता होगा कि ये क्यों हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। ये हमारा छोटा सा गार्डन बस तो हो गया, जाने का बड़ा मन था बाहर ज़रूरी काम करने का, बट थोड़े देर से जाएंगे, अभी फिलहाल 1 घंटे का ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ा पावर नैप, एंड वो पीछे मूवी चालू है, नो प्रॉब्लम, थोड़ा देर एंजॉय करते फिर निकलेंगे, क्या बोलते है ना? थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। फिलहाल जाने का प्लान तो कैंसिल, बिकॉज मौसम की जानकारी ये है कि यहाँ पे मूसलाधार बारिश हो रही है, एंड अभी खाना खाने का टाइम हो गया। मैंने बोला था 1 घंटे का नैप लूँगा, बट 5 घंटे गुजर गए, सो अभी तो जाने का प्लान फिलहाल मैंने कैंसिल कर दिया। एंड मार्शल इज़ बैक, एक्चुअली आई वुड शो यू समथिंग। ये तो लड़का है ना, ये इसने यहाँ से यहाँ जंप मारने की कोशिश किया, एंड यहाँ पे उसका पैर बुरी तरीके से स्लिप हो गया। आप देखोगे वीडियो में मैं उसको बोल रहा हूँ गुड बॉय। सो ही वॉज अबाउट टू गेट वेरी बैड इंजरी ऑन हिज बैक, बट वही है कि शुक्र है कि मैंने अचानक ऑल ऑफ अ सडन हाथ लगाया एंड वो बच गया, बट अभी तो वो ठीक है। एंड हमारा जो प्लान था वो देखते ही इवनिंग में। हाँ, वो जो मैं बात बोल रहा था कि जो शादीशुदा है उनको समझेगा, वो ये है कि एक तो पहली चीज़ है कि घर में सब्जी खरीद के ले गया ना, और दूसरा चीज़ है वही सब्जी का वेस्ट गार्बेज बिन में फेंक गया, तो हम कचरा फेंकने जाने वाले थे। सो फॉर नाउ कचरा तो एनीवेज गार्बेज व्हीकल यहाँ पे आता है, गार्बेज डस्टबिन नहीं है यहाँ पे, डस्टबिन यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर जैसा कुछ इतने डिस्टेंस पे है, तो जाना पड़ता है वहाँ। सो वी वर अबाउट टू गो देयर, बट ये देखो ऐसा जंप मार के ऊपर आ गए। सो हम आ गए नहीं, देखते बारिश रुकेगी तो जूनों को लेके जाएंगे गाड़ी में, एंड आई थिंक स्लोली स्लोली अपडेट देते रहूँ और क्या। आपको पता है मार्शल ऐसा क्यों खड़ा है उधर, उस साइड क्यों देख रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे मार्शल की गर्लफ्रेंड है जिसका नाम छुटकी है, एंड उसको देख के थोड़ा लौंडा एंग्शियस हो रहा है।
गुड मॉर्निंग गाइस। अब आप सोच रहे होंगे मैं गुड मॉर्निंग क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये व्लॉग जो है वो नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड हो गया है। एंड कल का दिन ख़त्म, आज नया दिन नया व्लॉग फिर स्टार्ट करते हैं, मतलब कैरी फॉरवर्ड है। एंड कल का जो पेंडिंग काम था, क्योंकि बिकॉज ऑफ रेन बारिश उसको पेंडिंग काम मतलब पेंडिंग हो गया, सो आज वो पेंडिंग काम पूरा करेंगे कि इसके पहले फिर से बारिश स्टार्ट हो जाए। विल टेक जूनो एंड गो आउट एंड सी पीपल्स रिएक्शन, कि जूनो को देख के वो कैसे रिएक्ट करना है। वैसे एक्चुअली हमारा प्लान है कि आज इडली खाना है, सो इडली भी मुझे लेने आना है, तो इडली भी लेने के लिए जाएंगे। मार्शल ने अपने फ्रेंड को देखा, आपको दिख रहा है वहाँ पे कोयल है। माशु, यू सॉ योर फ्रेंड? माशु, इज शी योर फ्रेंड? इज शी योर फ्रेंड? या माशु, इज शी योर फ्रेंड? मार्शल की फ्रेंड कहाँ है? वो चले गए यार। तो हम चले, जो हमारा बच्चा कुछ काम है वो करके आते हैं। एंड काम तक बहाना है, जाना हमें घूमने है, तो जूनो को थोड़ा घुमा के ला दूँ, बहुत टाइम हो गया यार, वो बाहर गए ही नहीं है। मार्शल घूम के आ जाता है, तो लेट्स गिव अराउंड टू जूनो एंड फिर मिलते हैं आपसे। फाइनली हमारा घूमना तो हो गया। आई डोंट नो आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही कि नहीं, बिकॉज मैं हेडफोन पे बात कर रहा हूँ। एंड अभी दो काम करना है, आई हैव टू बाय बटर मिल्क और योगर्ट, तो वो ले लेते हैं कहीं से, ढूंढते काम मिल जाएगा फटाफट। एंड घूमना हो गया, मैं आपको जूनो फिर से दिखा देता हूँ। यह है जूनो, जूनो घूम के आ गया है। एंड विल गो होम फटाफट से, विल बाय थिंग्स एंड घर जाके मिलते हैं फिर। सबूत मिल गया मुझे कि वो ये पेड़ सूख क्यों रहा है। हाँ तू ही है, मिल गया प्रूफ, रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, तेरे वजह से वहां पे कुछ भी नहीं आ रहा है, सब ड्राई हो जा रहा है पेड़। यही है वो इंसान, गौर से देखिए, यही है वो दरिंदा। तो फाइनली मुझे सबूत मिल गया है कि हमारा वो पेड़ सूख क्यों रहा है। एंड वो बहुत ही दिल दुखाने वाली चीज थी कि ये सब हो रहा है हमारी पीठ के पीछे। तो गाइस हमारा फाइनली हमारा घूमना फिरना सारा कुछ जो भी था जो झपाटा वो खत्म हो गया। ये वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो कोई भी रीजन से, सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कि मैं ऐसा वीडियो और बना सके और आपको एंटरटेन कर सके। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, ठीक है।